Hello everyone, a very warm welcome to all of you in the Let's Crack CBSE 7. So guys, कैसे हो आप सभी? जल्दी से कमेंट करके बता दो. How are you? कैसे हो आप सभी? जल्दी कमेंट करके बता दो. और आज पूरे दिन आप सभी ने क्या किया ये भी बताओ. और जल्दी सभी लोग वीडियो को शेयर करके लाइव आ जाओ जल्दी से, ठीक है? सभी लोग ज्वाइन हो जाओ. जल्दी सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो और लाइव आ जाओ, ओके? और कमेंट करके ये बताओ कि आप सभी लोग कैसे हो और आज आपका दिन कैसा रहा, आज आपने क्या क्या किया. बताओ जल्दी से बताओ. सभी लोगों को बताना है, ठीक है? हाउ आर यू बेटा, जल्दी बताओ. और जिसने अभी तक लेट्स क्रैक सीबीएसई 7 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा लेट्स क्रैक सीबीएसई क्लास 7 को सब्सक्राइब कर लो. हमारी जितनी भी न्यू वीडियो होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, ठीक है? कि कब कौन सी मैम लाइव आ रही हैं ये सब आपको सबसे पहले पता चल जाएगा, ओके? तो चलो जल्दी सभी लोग ज्वाइन हो जाओ और सारे जितने हमने क्वेश्चन पूछ रखे वो हमें बता दो, ठीक है? और आज भी हम आपसे लाइव चैट के थ्रू ही बात करेंगे, ठीक है? यानी कि आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछना और इसका रिप्लाई भी हम आपको कमेंट सेक्शन में ही देंगे, ठीक है बेटा? चलो तो स्टार्ट करने से पहले आपको दे देते हैं अपना क्विक सा इंट्रोडक्शन. आई एम ज्योति जायसवाल, योर मैथ्स एजुकेटर. आई कंप्लीटेड MSc इन मैथमेटिक्स. I also completed my B.Ed with a science stream. I have 3-year teaching experience of offline as well as online. I taught many students of ICSE and CBSE board. I qualified UP TET and CTET both in the primary and junior level. Okay. चलो तो ये हो गया मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन. अब जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाओ फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं. और आज हमें क्या करना है? संडे है भाई, आज तो संडे स्पेशल रखेंगे. तो क्या रखने वाले हैं संडे स्पेशल में? जल्दी से बताओ. एनी आइडिया? जिस तरह से हम लोगों ने इसके पहले वाले सेशन में एक बार किया था क्विक रिवीजन, क्या किया था? क्विक रिवीजन किया था. ठीक उसी तरह से आज भी हम लोग करेंगे क्विक रिवीजन. कितने चैप्टर का? तो इसके पहले वाले में हम लोगों ने किया था चैप्टर 1 to 5 का क्विक रिवीजन. और अब किसका करने वाले हैं? तो अब आज करेंगे चैप्टर 6 to चैप्टर 9 तक का क्विक रिवीजन, ठीक है? 3 ज़्यादा चैप्टर नहीं है. चैप्टर 6 से लेकर के चैप्टर 9 का आपको एकदम क्विक रिवीजन करा देंगे जिससे कि आपको सारे चैप्टर आपने ना मैथ्स के एकदम अच्छे से याद हो जाएंगे, एकदम अच्छे से आते रहेंगे, है ना? तो अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने 5-5 चैप्टर रिवीजन कर डाले, सारे चैप्टर एकदम अच्छे से पढ़ लिए, रिविजन कर लिए, तो अच्छे से याद हो गया होगा. उसके बाद अब क्या करना है? चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 9 को भी हम रिविजन करा देते हैं. आप लोगों ने पढ़ तो ऑलरेडी लिया है, अब रिवाइज भी कर लो तो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगी चीज़ें और कभी भी आप लोग नहीं भूलोगे. एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो उसको यूं, ठीक है, देखते ही सॉल्व कर लोगे, देखते ही आंसर लगा दोगे, ठीक है? तो चलो फिर स्टार्ट करने से पहले आपको बताते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में. तो बेटा अगर अनअकैडमी पे अभी तक आपने मुझे ज्वाइन नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो क्यों इतना लेट कर रहे हो? जल्दी से जाओ ना अनअकैडमी के ऐप पे. तो आपको क्या करना है? गूगल के प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है और अपना गोल सेलेक्ट कर लेना है CBSE क्लास 7. CBSE क्लास 7 अपना गोल सेलेक्ट करना, फिर वहाँ पे सर्च कर लेना ज्योति जायसवाल, ठीक है? वहाँ पे क्या सर्च कर लेना? ज्योति जायसवाल. और जैसे ही आपको मेरा दिख जाएगा इमेज, बस वहीं पे जाके मुझे फॉलो कर लेना. वहाँ पे भी हम लोग डेली बहुत ही अच्छी क्लासेस करते हैं, लाइव पोल्स करते हैं, क्विजेस करते हैं, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग वहाँ पे भी होता है. जिस तरह से यहाँ पे हम लोग मेंटी देखते हैं ना, वैसे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा. पोल्स हैं, क्विजेस हैं और भी बहुत कुछ होता है इंटरेस्टिंग, ठीक है? तो जिसने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है जल्दी से अनअकैडमी के ऐप पे जाओ और मुझे फॉलो कर लो. और अनअकैडमी की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है बहुत सारे कंटेंट जो आपको फ्री में मिलते हैं. तो क्या करना है इसके लिए? फ्री में आप उस कंटेंट को कैसे पा सकते हो? तो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे जाओ, गोल सेलेक्ट करो CBSE 7, मेरे किसी भी वीडियो पे जाओ या फिर किसी भी एजुकेटर के किसी भी एक वीडियो पे चले जाओ. और वहाँ पे जाने के बाद आपसे कोड पूछेगा. तो क्या करना होगा? आपको कोड अप्लाई करना होगा. कौन सा कोड? तो JJ लाइव कोड, ठीक है? इस कोड की हेल्प से आपको जितने भी फ्री कंटेंट दिए गए हैं अनअकैडमी की तरफ से उन सभी को आप कर सकते हो अनलॉक, ठीक है? तो जल्दी से जाओ, अनलॉक कर लो अपने सारे फ्री कंटेंट. और इन फ्री कंटेंट्स में आपको क्या क्या मिलते हैं देखो. तो इसमें मिलते हैं फ्री टेस्ट, अटेम्प्ट कर सकते हो डेली T20 टेस्ट सीरीज और चेक कर सकते हो कि आपने कितना स्कोर किया. अटेंड द एनालिसिस सेशन टू गेट योर डाउट क्लियर, अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हो. दिस टेस्ट सीरीज विल कवर सम इजी टू द मीडियम एंड डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन. इस टेस्ट सीरीज में इजी, मीडियम, डिफिकल्ट सभी लेवल के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है यहाँ पे। उसके बाद आपको मिलती है डेली प्रैक्टिसेस, लाइव टेस्ट, लाइव क्विजेस और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग। तो ये सब कुछ आप कैसे पा सकते हो, बस एक सिंपल सा कोड अप्लाई करना है जे लाइव और आपके सारे कंटेंट फ्री में अनलॉक हो जाएंगे, है ना। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया था कि आप मेरी ही नहीं, मेरे साथ साथ किसी भी एजुकेटर की आप स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हो तो सभी के लिए ये कोड बेटा एप्लीकेबल है, सभी के लिए ये कोड एप्लीकेबल है। तो आप डेली फ्री स्पेशल क्लासेस फॉर द क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की देख सकते हो। लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो बाय द टॉप एजुकेटर्स ऑन द सिलेबस कंप्लीशन। इसमें क्या क्या होता है, तो अभी हमने आपको बताया था लाइव फ्री पोल्स होते हैं, क्विजेस होती हैं और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होता है ना। तो इन सबको बस आपको अनलॉक कर लेना है इस कोड का यूज करते हुए। तो जल्दी से जाओ, कोड को यूज करो, अनलॉक करो, अपनी पढ़ाई को अच्छे से रॉक करो, है ना। ओके, तो यहाँ पे क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 इन सभी क्लासेस के लिए अलग अलग बैचेस अवेलेबल हैं। आपको जिस बैच की क्लास पसंद आती है, जिसमें आपके बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं, आप उनकी क्लास ज्वाइन करके अच्छे से पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। फिर उसके बाद देखते हैं बेटा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप तो आप सभी ने इंस्टॉल कर ही लिया होगा अब तक। इंस्टॉल करने के बाद अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, बैचेस ज्वाइन करके पढ़ना है, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और सब्सक्रिप्शन बेटा कैसे होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन और दूसरा होता है आइकॉनिक। तो मैं आपको दोनों की बेनिफिट बताती हूँ, आपको जो बेस्ट लगेगा, अपने लिए जो सूटेबल लगेगा वो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, ठीक है। तो देखिए अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन की क्या क्या बेनिफिट होती है। लाइव क्लासेस होती है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स डेली, वीकली क्विजेस होता है, डाउट सॉल्विंग, लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज, ये सब आपको मिलते हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में। आप अपने घर पे बैठ के कंफर्ट ऑफ योर होम से पढ़ाई कर सकते हो, जैसे कि अभी आप कर रहे हो। कुछ भी कहीं नहीं जाना, घर पे बस बैठना है, पढ़ाई करना है, और वो भी कितने अच्छे तरीके से, है ना। तो ये सब आपको मिलते हैं। उसके बाद अनलिमिटेड एक्सेस होता है टू ऑल द कोर्सेज। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं और आपको मौका मिलता है उन टॉप एजुकेटर्स में से भी अपने लिए बेस्ट एजुकेटर को चूज करने का। उसके बाद जो सब्जेक्ट मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, ये आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाता है। आंसर राइटिंग सेशन होता है, मेंटरशिप एंड गाइडेंस होता है, ठीक है। तो बहुत सारे कुछ होते हैं यहाँ पे, लाइव टेस्ट सीरीज होती है, बहुत कुछ होता है ना। तो प्लस में क्या क्या हो गया, एकदम शॉर्ट व्यू में देखिए। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स होते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, लाइव क्विजेस, क्रिएटिव कॉर्नर, ये सब आपको मिलते हैं प्लस में। आइकॉनिक में चेक करते हैं तो आइकॉनिक में क्या होगा बेटा, जितनी चीजें प्लस में है ना, ये तो आइकॉनिक में होगी ही होगी। साथ ही साथ आइकॉनिक में एक्स्ट्रा क्या होगा, तो पर्सनल मेंटर होते हैं, लाइव डाउट सोल्यूशन होता है, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर, ये सब आपको आइकॉनिक में एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये हो गई सब्सक्रिप्शन की बातें। और आप प्रिपेयर कर सकते हो हमारे टॉप एजुकेटर्स के साथ। ऐसे ऐसे एजुकेटर्स भी हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ईयर्स का एक्सपीरियंस भी है। उसके बाद जिसने अभी तक टेलीग्राम का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, तो बेटा आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे जो भी जब लाइव होता है तो अपनी वीडियो की नोटिफिकेशन, अपनी वीडियो की लिंक सबसे पहले टेलीग्राम के ग्रुप पे ही शेयर करता है, ठीक है। तो वहाँ से आपको जिसकी भी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए सब कुछ आराम से मिल जाता है। तो ज्वाइन कर लो, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन। कहाँ से कहाँ तक का करना है, तो हमें करना है चैप्टर 6 to चैप्टर 9 का क्विक रिवीजन। इसके पहले हमने किया था चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक का क्विक रिवीजन, है ना। इसके पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक का किया था और आज करने वाले हैं 6 to 9 का क्विक रिवीजन। आर यू रेडी गाइस? जल्दी से कमेंट करके बता दो, क्या आप सभी रेडी हो? बताओ बताओ, रेडी हो, एक्साइटेड हो, क्या हो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। आप सभी को ऐसे देखो, बस बुक को ओपन करवा देंगे और सारा कुछ जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन के व्यू में आपको समझा देंगे और आपके माइंड में सारी चीजें सेट हो जाएंगी, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने कुछ दिन पहले सभी चीजों को पढ़ा है। तो सभी चीजें हमारे लिए नई नहीं है, हो चुकी हैं, हमारे में सेट हो चुकी हैं, बस आपको रिकॉल करवा देंगे तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। कंटेंट क्या क्या होने वाला है, हम लोग क्या क्या चैप्टर लेने वाले हैं। ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्राइंगल्स एंड कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ठीक है। to triangle and its property, congruence of the triangle, comparing quantities, ये सब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, यही हमारे चैप्टर हैं। ये हो गया क्या बेटा, चैप्टर नंबर 6, ये हो गया चैप्टर नंबर 7, ये हो गया चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 वो भी हमने रखा है रेशनल नंबर, ठीक है, यहाँ लिखना भूल गए हैं, चैप्टर नंबर 9 रेशनल नंबर वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, चैप्टर नंबर 9 रेशनल नंबर वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले से, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है बेटा ट्राइंगल? A triangle is a simple closed curve made of the three line segment। Triangle क्या होता है? एक simple closed curve होता है जो three line segment से मिलके बना होता है, ठीक है। आप सभी लोग बेटा कमेंट कर सकते हो, आप सभी के कमेंट्स हम रीड कर लेंगे और रीड करके आपको वही कमेंट पे ही, लाइव कमेंट पे ही हम आपको आंसर करेंगे, ठीक है। आप लोग मैसेज करो, हम आपके कमेंट्स को रीड करके लाइव कमेंट में ही आपके साथ रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो थ्री लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है। थ्री लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, इसके पास थ्री वर्टिसेस होती हैं, थ्री साइड्स होती हैं, थ्री एंगल्स होते हैं। तो ट्राइंगल के पास सब कुछ थ्री थ्री होते हैं, है ना। तो इसके पास देखो बेटा थ्री वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होते हैं? कॉर्नर्स। तो 1 2 3 कितने वर्टिसेस हो गए? 3 वर्टिसेस हो गए। 3 साइड्स हो गई। कौन कौन सी साइड्स हो गई? लिखते हुए चलो। तो देखो साइड्स ED DF और EF, ये सारी हो गई इसकी साइड्स। वर्टिसेस क्या क्या हो गए? D E और F, ये हो गए वर्टिसेस। एंगल क्या हो गया? तो एंगल D, एंगल E और एंगल F। इसको आप लोग और अच्छे से नेमिंग कर सकते हो, एंगल E D F, एंगल F E D और एंगल D E F, ठीक है। तो इसकी नेमिंग हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया? ट्राइंगल क्या होता है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है made of the three line segments, it has three vertices, three sides and three angles, also it has three medians, three altitudes। तो median और altitude क्या होता है? इसको एक बार समझ लो। median वो होता है जिसको हम उसके अपोजिट साइड से, यानी कि अपोजिट वर्टिस से और इस वाले साइड पे देखो बेटा ऐसे करेंगे ना, तो ये क्या करेगा? EF वाली साइड को इक्वली डिवाइड करेगा। अगर इसने EF वाली साइड को इक्वली डिवाइड कर दिया तो इसको हम कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं इसको? मीडियन कहते हैं, क्योंकि ये एकदम मिड पॉइंट पे आके मिलता है और इक्वली डिवाइड करता है, तो इसे हम लोग कहते हैं मीडियन। और एल्टीट्यूड क्या होता है? तो एल्टीट्यूड भी सेम यही काम करता है, बट वो इक्वली डिवाइड नहीं करता है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। वो क्या करता है? अपोजिट बेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर बाई चांस 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो आप कहते हो कि मीडियन और एल्टीट्यूड सेम हो गया। तो किस में होता है बेटा? आइसोसेलिस ट्राइंगल में, है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल में, इन सभी में क्या होता है? मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम होते हैं। तो चलो कमेंट करके बताओ ट्राइंगल के पास कितने मीडियन और कितने एल्टीट्यूड होते हैं, जल्दी जल्दी। तो जितनी बेटा ट्राइंगल के पास वर्टिसेस होंगी ना, उतने ही उसके पास मीडियन भी होंगे और उतने ही उसके पास एल्टीट्यूड भी होंगे। तो 1 एल्टीट्यूड हो गया, ये वाला हो गया 3 एल्टीट्यूड और ये वाला हो गया 3rd एल्टीट्यूड, है ना। उसी तरह से मीडियन देखो बेटा, ये हो गया 1st मीडियन, 2nd मीडियन और ये वाला हो गया 3rd मीडियन। तो 3 मीडियन, 3 एल्टीट्यूड, 3 साइड, 3 वर्टिसेस, 3 एंगल, सब कुछ 3 3। चलो तो आते हैं नेक्स्ट पे, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो बेसिस ऑन द साइड, एक होता है साइड के बेसिस पे ट्राइंगल और एक होता है बेसिस ऑन द एंगल। एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं? तो बेसिस ऑफ साइड पे भी ये 3 टाइप का होता है, बेसिस ऑफ एंगल पे भी 3 टाइप का होता है। तो ट्राइंगल में आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सभी कुछ उसके 3 3 ही होते हैं। 3 टाइप्स भी होते हैं, 3 टाइप, सब कुछ 3, है ना। तो साइड के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं? पहला होता है स्केलन ट्राइंगल, सेकेंड होता है आइसोसेलिस ट्राइंगल, थर्ड होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आपको क्या कुछ पूछना है? पूछना हो तो बेटा कमेंट करो। क्या समझ में आया? अभी हमने जो समझाया वो समझ में आ गया? तो देखो बेसिस ऑन द साइड्स के बेसिस पे ये कितने टाइप के होगा? 3 टाइप्स का हो जाएगा। फर्स्ट हो गया स्केलन ट्राइंगल, सेकंड हो गया आइसोसेलिस, थर्ड हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो स्केलन ट्राइंगल क्या होता है? स्केलन ट्राइंगल हम लोग उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी कोई भी साइड, ठीक है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, जैसे कि तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट होगी। सपोज ये 5 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। तो जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। और जिसकी टू साइड सेम होती है। ठीक है, क्या होती है? जिसकी टू साइड सेम हो जाए, जिस ट्राइंगल की टू साइड सेम हो जाती है उसे हम लोग कहते हैं आइसोसेलिस ट्राइंगल। और इक्विलेटरल कैसे कहते हैं? तो जिसकी तीनों साइड सेम होती हैं, यानी कि तीनों साइड्स के जो उसका लेंथ होता है ना, वेट करो, देखिए कहाँ पे हम लोग आ गए, जस्ट वेट, हम लोग कहाँ पे आ गए पढ़ते पढ़ते। ओके, आई थिंक मेरे से कहीं पे क्लिक हो गया है ना। यस, चलो ओके, तो यहाँ तक बेटा समझ में आया। जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे उसे हम लोग क्या कह देंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी साइड का लेंथ ए हो गया, इसकी भी ए हो गया और इसकी भी ए हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं? बताओ बताओ बताओ। जब तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल भी तो इक्वल होंगे, और अगर तीनों एंगल इक्वल हो गए तो वो सारे एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? उन सारे एंगल का मेजरमेंट होता है 60 डिग्री, है ना। आपको निकालना सिखाए थे ना, तीनों एंगल का मेजरमेंट कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल का सम होता है 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। और तीनों एंगल से मैं मीन्स ए प्लस ए प्लस ए, 3a = 180, देन a = 60 डिग्री। तो ट्रायंगल के इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। गॉट इट? समझ में आया यहाँ तक? तो साइड्स के बेस पे क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर। जल्दी जल्दी कमेंट करो, बेसिस ऑफ साइड में क्लियर हो गया। जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल है ये हमने साइड के बेसिस पे देख लिया। अब हमें क्या देखना है? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द एंगल के बेसिस पे। किसके बेसिस पे देखेंगे? एंगल के बेसिस पे। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल हम लोग किसे कहते हैं? कोई एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल जो होते हैं ना, 1 2 3 तीन एंगल होते हैं ट्रायंगल के, तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे देखो इस वाले में एग्जाम्पल की तरह ले लो इसको। पहला वाला एंगल है 62 डिग्री, 90 से कम है। दूसरा वाला एंगल भी 90 से कम है और तीसरा वाला एंगल भी 90 से कम है। तो जब किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 से कम होते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड देखो, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जब किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 के इक्वल हो जाता है, कितना एंगल? only one angle is equals to 90, then it is said to be right angle triangle, okay? Next देखो बेटा, obtuse angle triangle। तो obtuse angle में क्या होता है? कोई भी एक एंगल जो होगा ना वो 90 से greater than हो जाएगा। जैसे right angle में अभी आपने क्या देखा कि कोई एक एंगल 90 का हो जाए, उसी तरह से obtuse में भी होता है कि कोई एक एंगल 90 से greater हो जाता है, तो उसे हम लोग कहने लगते हैं obtuse angle triangle। Got it? Clear हो गया? तो types of triangle on the basis of sides, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पे? देखो नेक्स्ट है मीडियन एंड एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो अभी हमने आपको ऑलरेडी समझा ही दिया है कि मीडियन क्या होता है। मीडियन की डेफिनेशन समझ लीजिए। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द टॉप मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज कॉल्ड अ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। समझ में आया डेफिनेशन से? नहीं, ऐसे समझिए। तो जो इसका वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स से इसके दूसरे साइड मींस अपोजिट साइड पे जो ड्रॉ किया जाता है एक ऐसे पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे, अगर वो काटता है अपोजिट फेस को, तो उसी को हम कहते हैं मीडियन। जैसे कि ये वर्टेक्स है ए वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड बीसी पे इस तरह से लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया एडी को कि ये बीसी को क्या करेगा? इक्वली डिवाइड कर देगा। तो हम क्या कहेंगे? एडी को कह देंगे कि एडी इज अ मीडियन ऑफ बीसी। AD किसका मीडियन हो गया? AD इज अ मीडियन ऑफ BC। गॉट इट? BC को क्या करेगा? कोई D पॉइंट इक्वली डिवाइड कर देगा, तो हम AD को कह देंगे उसका मीडियन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। तो एल्टीट्यूड वो होता है बेटा, अगर हमने वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो यहाँ पे ये एंगल जो है ये 90 डिग्री होना चाहिए, तभी उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो जब एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो उसको हम लोग कहने लगते हैं एल्टीट्यूड, या फिर आप कह सकते हो ट्रायंगल की हाइट। क्या कह सकते हो? ट्रायंगल की हाइट कह सकते हो, जहाँ पे हाइट हो गई h। और इसका बेस क्या है बेटा? इसका बेस क्या हो जाएगा? कुछ भी होगा। तो ट्रायंगल का एरिया यहीं से हम लोग निकालते हैं ना, 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। गॉट इट? तो क्लियर हो गया मीडियन क्या होता है और एल्टीट्यूड क्या होता है। मीडियन जो होता है वो उसको मिड पॉइंट पे डिवाइड करेगा। ए बी जो लाइन आई है, देखो यहाँ पे ए डी जो लाइन आई है ये बीसी को एकदम इक्वली डिवाइड कर रही है 2 पॉइंट्स में, तो ये हो गया मीडियन। और एल्टीट्यूड क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। किसी ट्राइंगल में क्या ऐसा होता है कि एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होते हैं, तो आप कहोगे यस। आइसोसेलिस ट्राइंगल में भी ऐसा होता है और इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी ऐसा होता है कि मीडियन और उसके एल्टीट्यूड जो होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पे, नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, नाम से ही जैसे लग रहा है एक्सटीरियर, बाहर का एंगल। तो ट्राइंगल के बाहर का एंगल क्या होता है, डिफिनेशन से समझिए। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड व्हेन अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड। जैसे कि ये एक ट्राइंगल था और इसकी कोई एक साइड को हमने आगे प्रोड्यूस्ड किया, तो उसी के थ्रू जो एंगल फॉर्मेशन होगा उसे हम लोग क्या कह देंगे, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल का समेशन क्या होता है, मीन्स इसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो इक्वल होता है अपोजिट्स ऑफ टू एंगल। तो टू एंगल जो अपोजिट साइड है उसके, उन्हीं का सम कर देंगे तो हमें मिल जाती है एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू। जैसे सपोज ये होगा 30 डिग्री और ये होगा 50 डिग्री, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, कमेंट करो कमेंट करो। इसका एक्सटीरियर एंगल बेटा हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री विच इज इक्वल्स टू द 80 डिग्री। ओके, समझ में आ गया। तो ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल कैसे होता है, किसी भी एक साइड को आप अगर आगे प्रोड्यूस करोगे तो उससे फॉर्मेशन होता है एक्सटीरियर एंगल का। और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है सम ऑफ अपोजिट्स ऑफ टू एंगल। गॉट इट, समझ में आ गया। एक बार कमेंट करो यस समझ में आ गया। और अगर किसी को कुछ डाउट भी है तो आप लोग वो भी पूछ सकते हो, कमेंट करो, मैं बताती हूँ उसका आंसर। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पे बेटा, नेक्स्ट हमें देखना है प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। क्या देखना है, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। जैसा कि अभी हमने बताया कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 के इक्वल होता है। ठीक है, ट्राइंगल के तीनों एरिया का जो सम होता है, तीनों एंगल का कितना होता है, 180 के इक्वल होता है। जैसे कि देखो ये हो गया फर्स्ट एंगल, ये हो गया सेकेंड एंगल और ये हो गया थर्ड एंगल। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल को आप ऐड कर लो, उनका समेशन हमेशा कितना आएगा, 180 होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ये कमेंट करके बताओ, अगर कोई एक ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 45 डिग्री है, तो दूसरा एंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, मीन्स हमको ये वाला एंगल 90 डिग्री पता है, ये वाला एंगल हमने 45 बता दिया। तो क्या होना चाहिए, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो ऐड कर लेंगे, इसको हमने लिया 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री और प्लस x विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के। अब क्या करोगे, 90 प्लस 45 को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, तो 90 में 45 को ऐड करोगे, ये आ जाएगा 135 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, इसका भी जो एंगल है ये भी आ जाएगा 45 डिग्री के इक्वल। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया बताओ। तो ये पहली प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ द मेजर ऑफ थ्री एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द 180 डिग्री। तो ये इसका होता है कि 180 डिग्री के इक्वल होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो सम ऑफ लेंथ होगा टू साइड्स का वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए किसी वन साइड से। अगर आपको उसकी साइड गिवन है, सपोज ये वाली 3 गिवन है, ये वाली 4 गिवन है और ये वाली 5 गिवन है, तो आप इसको ऐसा ऐड करो दोनों साइड को, कोई भी दो साइड ले लो रैंडमली और दो साइड को ऐड करके देखो, वो तीसरी साइड से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, तभी वो ट्राइंगल पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल। जैसे कि आप कहोगे अगर क्या 1 2 3 ट्राइंगल पॉसिबल है, तो इसका आंसर होगा नो, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप 1 और 2 का सम करोगे तो 3 आएगा। अब ये इक्वल हो गया, तो ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया, हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आई। तो दो प्रॉपर्टी जरूर से याद रखना ट्राइंगल में, एंगल सम प्रॉपर्टी और दूसरी होती है क्या, सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो होती है, आप लोगों ने कमेंट किया था ना कल के वीडियो में कि मैम पाइथागोरस प्रॉपर्टी एक बार क्लियर कर दीजिएगा, तो बेटा रिकॉल कर रहे हैं, अच्छे से देख लेना, पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो होती है किसके लिए वैलिड होती है, सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होती है राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो इसी में लगती है पाइथागोरस का रूल। अब जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है ना, उसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, जो कि ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। जो ये वाला होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेस एज यूजुअल, और ये जो होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H। ओके, अब प्रॉपर्टी क्या होती है पाइथागोरस, तो पाइथागोरस की प्रॉपर्टी जो होती है उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू इक्वल आएगी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेसेस प्लस स्क्वायर ऑफ किसका, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस का अगर आप सम कर दोगे स्क्वायर निकाल के, तो वो इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। समझ में आ गया बेटा? तो यही होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी कि सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, उसको ऐड कर दो, वो इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। ओके, चलो एक आंसर आप लोग बताना है। यहाँ पे एक साइड गिवन है 3 और दूसरी गिवन है 4, तो इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करो। बताओ बताओ इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, कमेंट सेक्शन में बताओ सभी लोग। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो क्वेश्चन मार्क को हमने मान लिया x है, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 प्लस 16 25। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में 25 विच इज इक्वल टू द 5। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 हो गई। मीन्स इसका जो हाइपोटेन्यूज होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। करेक्ट, सभी के आंसर करेक्ट थे ना, कमेंट कर दो कि यस मैम करेक्ट थे मेरे आंसर भी। चलो, तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए हैं जो कि है कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल बेटा क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। इफ वन शेप कैन बिकम अनदर, अगर कोई एक शेप दूसरा शेप हो जाता है, कैसे, यूजिंग टर्न, फ्लिप और स्लाइड्स। अगर आप किसी शेप को टर्न कर रहे हो, फ्लिप कर रहे हो या फिर स्लाइड्स कर रहे हो, ऐसा करने से अगर वो दूसरे शेप की तरफ दिखने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट शेप कहते हैं। मीन्स ये शेप जो होगा वो दूसरे के हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि इस वाले शेप का कॉन्ग्रुएंट शेप कौन सा होगा बताओ, यहाँ पे एक ये स्क्वायर है तो इसका कॉन्ग्रुएंट शेप कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इसका। ओके, इस वाले ट्रायंगल का कौन सा होगा कॉन्ग्रुएंट शेप, ये कैसे हुआ बेटा, इसको अगर आप फ्लिप कर दोगे, थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो ये इसके तरह दिखने लगेगा। तो आप टर्न कर लो, फ्लिप कर लो, स्लाइड कर लो, कुछ भी करो पर वो सेम एज इट इज हो जाना चाहिए, तभी हम उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट शेप। इस वाले ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट शेप क्या होगा, मैं ऊपर नंबरिंग कर देती हूँ 1, ओके, इसको भी नंबरिंग कर देती हूँ सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ। तो आप सभी में ये रूल अप्लाई करो और बताना आंसर कि कौन सा होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो सेकंड वाले का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाले का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मींस पहला वाला ही कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद थर्ड वाले का बताओ, थर्ड वाले का कॉन्ग्रुएंट क्या है, तो किसको हम ऐसा फ्लिप कर देंगे कि वो पहले की तरह दिखने लगे, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, है ना। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाले को अगर हमने फ्लिप कर दिया तो ये इसी की तरह तो दिखेगा। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। नेक्स्ट इसका बताओ, स्टार, ये किसकी तरह लुक लाइक करेगा बताओ बताओ, बहुत ही सिंपल है। तो ये हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। अगर हम इस वाले स्टार को फ्लिप कर देंगे थोड़ा सा तो इसके तरह वो दिखने लगेगा। तो ये हो गया इसका कॉन्ग्रुएंट शेप। नेक्स्ट इस वाले का बताओ, रेक्टेंगल का, इसका क्या होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट, है ना। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद ये देखो बेटा, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, किसको फ्लिप करेंगे कि इसके तरह दिख जाए, तो ये हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ये हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। ओके, अब लास्ट वाले का बता दो जल्दी से, लास्ट वाले का आंसर क्या होना चाहिए बताओ बताओ बताओ, किसको फ्लिप कर देंगे कि वो इसके तरह दिखने लग जाए, तो आपका आंसर होगा ये थर्ड वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा आंसर करेक्ट, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आ जाइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ प्लेन फिगर, लाइन सेगमेंट और एंगल। जब हमने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो हमने आपको एक एक चीजें अलग से बताई थी कि कॉन्ग्रुएंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट क्या होता है, उसको पूरा प्रॉपर बताया था। कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल क्या होता है, उसको पूरा प्रॉपर बताया था। और कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर क्या होता है इसको भी हमने पूरा प्रॉपर बताया था। तो जिसने भी वीडियो देखी होगी बताओ जल्दी से, क्या समझ में आ गया था ना? उस टाइम पे आ गया था ना समझ में? काफी अच्छे से मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था तो समझ में तो आ ही गया होगा। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ प्लेन फिगर क्या होता है इसको समझ लो पहले। टू प्लेन फिगर अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो शॉर्ट व्यू में पढ़ते चलेंगे जिससे कि आपको सारी चीजें एक बार रिकॉल हो जाए, है ना। आपको सारी चीजें माइंड में याद आ जाए कि अच्छा ये था, प्लेन फिगर को ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी। टू प्लेन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ ईच वर्ड सुपरपोज्ड ऑन अदर देन इट कवर्स इट एग्जैक्टली। अगर कोई भी दो प्लेन फिगर है उसको हम बोलेंगे कि ये उसका कॉन्ग्रुएंट है। कब? जब हमने दूसरे वाले को सुपरपोज्ड किया और वो उसको क्या करेगा, एग्जैक्टली कवर कर लेगा। क्या कर लेगा? एग्जैक्टली कवर कर लेगा। तो हम उसे बोलेंगे कि ये दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। जैसे आप डायग्राम में देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। तो PQR को जब हम सुपरपोज्ड कर रहे हैं ABC के ऊपर तो वो पूरा प्रॉपरली सुपरपोज्ड हो जा रहा है। तो इसलिए ये दोनों कैसे हो गए? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्लेन फिगर हो गए, ठीक है। कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्लेन फिगर हो गए। ओके, नेक्स्ट देखो, कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट क्या होती है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है। इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम लेंथ, कोई भी दो लाइन सेगमेंट जिसके पास एग्जैक्टली सेम लेंथ होगी उसे हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट, है ना। बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या होंगे? ये भी वैसे ही, इफ टू एंगल हैव द सेम मेजर, कोई भी दो एंगल जिनका मेजरमेंट सेम हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट एंगल। बस प्लेन फिगर में थोड़ा सा आपको समझना था कि अगर कोई भी दो प्लेन फिगर होंगे, आप एक को दूसरे के ऊपर सुपरपोज्ड करोगे तो वो पूरा उसको कवर कर लेना चाहिए, कुछ भी पोर्शन नहीं दिखना चाहिए, तभी हम उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट प्लेन फिगर्स। ओके, क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी थम्स अप करो। और हाँ, कॉन्ग्रुएंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कॉन्ग्रुएंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस साइन से। देखो, ये तो बॉल बन गई, है ना। ये तो आपकी बॉल हो गई ना, जो आप लोग क्रिकेट में यूज करते हो। सेम मुझे तो ऐसी लग रही है। बस ये लाइन ना थोड़ा सा ऐसे ऐसे बढ़ा दें, ये लाइन थोड़ा सा ऐसे ऐसे बढ़ा दें और नीचे भी आई थिंक कुछ ऐसा कर दें, है ना। बन गई ना पूरा, कितनी अच्छी। देखो, इमेजिनेशन लगाई कि ये पूरी पूरी स्फीयर की तरह दिखने लगी। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट का जो शेप होता है, मतलब जो उसको डिनोट करते हैं हम लोग, कॉन्ग्रुएंस को कैसे डिनोट करते हैं? तो ये डिनोट करते हैं कुछ इस तरह के साइन से। ऊपर एक तो ऐसे एस करके बना लो और नीचे दो लाइन कर दो, तो ये हो जाता है कॉन्ग्रुएंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रायंगल, अगर हम इस वाले को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे जो लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल PQR। समझ में आ गया बेटा? ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल PQR। लाइन सेगमेंट को लिखना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है AB लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू द लाइन सेगमेंट CD। अब यहाँ पे देखो, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल B। हो गई ना सारी चीजें, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल यही तो आपका चैप्टर है जो इंपॉर्टेंस है ना। बाकी और सारी चीजें आपको समझने के लिए बताई गई थी। मेन तो आपका चैप्टर यही है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल। इफ ऑल द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, अगर ट्रायंगल के सारे साइड्स और उसके एंगल इक्वल हो जाते हैं तो हम उस ट्रायंगल को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। वो तो नेचुरल सी चीज है। जब ट्रायंगल की तीनों साइड्स और उसके एंगल इक्वल हो जाएंगे तो कोई भी दो ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज्ड हो ही जाएगा। जब सुपरपोज्ड हो गया तो उसे तो हम कॉन्ग्रुएंट कह ही देंगे। और यही चीज अगर ट्रायंगल के केस में हो गई तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। अब ट्रायंगल किस किस तरह से कॉन्ग्रुएंट हुआ ये हमको फाइंड आउट करना होता है। उसकी बहुत सारी क्राइटेरिया होती है। यही क्राइटेरिया सिर्फ आपके सिलेबस में है और हमें बताना है पूरा अच्छे से, ठीक है। तो बता तो हम चुके ही हैं, सभी लोगों ने वो वीडियो देखा था। अब आ जाओ एक बार रिकॉल भी कर लेते हैं। सब हमें क्या देखना है? नेक्स्ट हमें देखना है क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कोई भी एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो वो किस प्रॉपर्टी से, किस क्राइटेरिया से है, ये मेन हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। तो पहली क्राइटेरिया होती है साइड साइड साइड, जिससे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SSS क्राइटेरिया कहते हैं। दूसरी होती है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तीसरी होती है एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। चौथी होती है एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। और फिफ्थ होती है राइट एंगल ट्रायंगल क्राइटेरिया, ठीक है। तो जैसे नेमिंग है वैसी सेम क्राइटेरिया होती है। एसएसएस क्राइटेरिया मीन्स क्या होता है कि ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल होंगी। जरूरी नहीं है कि इसकी ये वाली साइड इसके यही वाली साइड के इक्वल हो, कुछ भी आगे पीछे इक्वल हो सकता है, बट तीनों साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो ये होता है साइड 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 क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्या है, एसएएस क्राइटेरिया मीन्स साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो ये क्या होता है बेटा, देखो दो साइड्स के बीच में, जैसे कि एक ये साइड है और ये एक ये साइड है, जैसे एस लिखा हुआ है फिर एस लिखा हुआ है, तो साइड और साइड के बीच में एक एंगल आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। कैसे, इस वाले में देखो यहाँ पे क्या है, ये तो ए एस ए है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला एस ए एस, तो दो साइड है और दो साइड के बीच में एक एंगल हो गया। और यही सेम चीज़ दूसरे वाले ट्राइंगल में भी दो साइड्स हैं जो कि इक्वल हैं और दूसरा वाला जो उनके बीच का एंगल है वो भी इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। किस क्राइटेरिया से, तो एस ए एस क्राइटेरिया साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया ए एस ए क्राइटेरिया क्या होती है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, एंगल एंगल साइड, दो एंगल होते हैं और उनके बीच में एक साइड होती है। एक बार देखते हैं ये वाला सेकेंड वाला, देखिए ए एस ए क्राइटेरिया, यहाँ पे दो एंगल हैं और दो एंगल के बीच में साइड है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए मीन्स एंगल, फिर ए मीन्स एंगल, दो एंगल के बीच में क्या आ गया, एक आ गया साइड। तो जब दो एंगल के बीच में एक साइड आ जाता है तो इस क्राइटेरिया को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एंगल साइड एंगल की क्राइटेरिया। तो इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया, डू कमेंट कमेंट करो कि समझ में आ गया। फिर उसके बाद चौथी क्या होती है, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। ये एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया क्या होती है, तो एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया मतलब होती है कि दो एंगल एडजेसेंट होंगे, लाइन वाइज होंगे, उसके बाद एक साइड होगी। अभी क्या था एंगल साइड एंगल में कि दो एंगल के बीच में एक साइड थी, तो उसे हमने क्या दिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। पर ए एस में डिफरेंट होता है, दो एंगल साथ में होंगे फिर उसके बाद साइड होगी, कंटिन्यूअस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। देखो ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया और उसके बाद में क्या हो गया, ये साइड हो गई। तो दो एंगल फिर उसके बाद में साइड, तो ये हो गया एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। तो एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। गॉट इट, समझ में आ गया अच्छे से, क्या अच्छे से समझ में आ गया, ये किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंगल एंगल साइड की क्राइटेरिया से। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राइट एंगल क्राइटेरिया। राइट एंगल में क्या होता है, एक एंगल तो ऑलरेडी 90 डिग्री का होगा, जो एक एंगल होगा वो ऑलरेडी 90 डिग्री होगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको चेक करना होता है कि एक हाइपोटेन्यूज और उसकी कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज और उसकी किसी एक साइड से, है ना। तो ये हो जाता है राइट एंगल ट्राइंगल की क्राइटेरिया। देखो यहाँ पे एंगल तो एक 90 डिग्री हो ही गया, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए और उसकी कोई भी एक साइड इक्वल हो जाएगी, तो इसे हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की क्राइटेरिया। समझ में आ गया, बस जैसी नेमिंग है ठीक वैसे ही वहाँ पे प्रॉपर्टी भी अप्लाई होती है। एस 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 है तो साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट होगा, ए एस ए है तो दो एंगल के बीच में एक साइड, एस ए एस है तो दो साइड के बीच में एक एंगल, ए एस है तो दो एंगल कंटिन्यूअस फिर उसके बाद में साइड। और राइट एंगल में क्या होता है, एक हाइपोटेन्यूज एक साइड दूसरे राइट एंगल के हाइपोटेन्यूज और साइड के इक्वल हो जाता है। तो ये हो गई ट्राइंगल की सारी क्राइटेरिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वो क्राइटेरिया जो कभी एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करती है ये भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए तो वाई एस एस ए, क्या आपने सोचा कि साइड साइड एंगल क्राइटेरिया और तीनों एंगल हो जाएं तो ये कॉन्ग्रुएंसी क्यों नहीं वैलिड होती है, इसको समझ लेते हैं। इफ टू ट्राइंगल्स हैव टू कॉन्ग्रुएंट साइड एंड अ कॉन्ग्रुएंट नॉन इंक्लूडेड एंगल देन ट्राइंगल आर नॉट नेसेसरी कॉन्ग्रुएंट। कैसे, अगर आप कह दोगे कि कोई दो साइड जो है ना ये इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल नहीं है, ये वाला एंगल इस बार नहीं है, दो साइड के बीच का एंगल होगा तब तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है एसएएस प्रॉपर्टी। बट यहाँ पे क्या है, साइड है फिर साइड है उसके बाद एंगल है, तो साइड साइड एंगल वाली है। तो यहाँ से साइड साइड एंगल तो इक्वल हो जाएंगे ट्राइंगल के, पर वो ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल की तरह लुक लाइक नहीं करेंगे। मीन्स आप उसको टर्न करके फ्लिप करके कुछ भी करके उस दोनों के ऊपर ओवरलैप कराओगे, सुपरपोज्ड कराओगे, तो वो दोनों सुपरपोज्ड होंगे ही नहीं। एक दूसरे को कवर करेगा ही नहीं। तो जब नहीं कवर करेगा तो ये क्या होंगे, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी नहीं होंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, गॉट इट। और सेम यही प्रॉपर्टी लगती है टू ट्राइंगल्स विद द इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए। तो टू ट्राइंगल विद द इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल नीड नॉट बी द कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि अगर कोई ट्राइंगल है जिसके तीनों एंगल इक्वल हो गए, फॉर एग्जाम्पल कोई एक ट्राइंगल है ये वाला, इसके तीनों एंगल हो गए 60 डिग्री, और एक कोई ट्राइंगल है ये वाला, इसके तीनों एंगल भी 60 डिग्री हो गए, तो क्या आप फर्स्ट वाले के ऊपर अगर दूसरे वाले को सुपरपोज्ड करते हो तो क्या ये पूरा कवर कर लेगा उसको? अगर कवर कर लेगा तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, पर ये कवर नहीं कर पाएगा, है ना। एक ये देखो ये वाला ट्राइंगल हो गया, इसके ऊपर अगर हम इसको सुपरपोज्ड कर देते हैं तो ये इसको कवर नहीं कर पाएगा। जब कवर नहीं करेगा तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो इस वजह से ए प्रॉपर्टी और SSA प्रॉपर्टी जो होती है, इसका कॉन्ग्रुएंसी रूल जो होता है ये वैलिड नहीं करता। रूल समझ में आ गया, कौन सी रूल नहीं वैलिड करेगी? SSA कॉन्ग्रुएंसी और AA कॉन्ग्रुएंसी का रूल नहीं वैलिड करेगा। इसके अलावा जो हमने 5 रूल बताए हैं, SSS, SAS, ASA, AAS और कौन सा बताया है, और बताया था राइट एंगल ट्राइंगल का, तो ये सारी क्राइटेरिया जो होती है ये वैलिड करती हैं, ये कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया होती हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, कॉन्ग्रुएंसी वाला क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं किस पे, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज ये भी तो हम लोगों ने पढ़ा था, चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्या होती है? टू कंपेयर टू क्वांटिटीज। अगर आपको दो क्वांटिटीज का कंपेरिजन करना है तो यूनिट हमेशा क्या रखनी होगी? यूनिट हमेशा सेम रखनी होगी। जैसे आप सेंटीमीटर और मीटर का कभी कंपेरिजन नहीं कर सकते हो, इसीलिए आपको क्या करना होता है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम दोनों का कर लेते हैं कंपैरिजन। तो ठीक वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप कभी भी दो यूनिट का कंपैरिजन करोगे तो हमेशा यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमें कंपेयर करने के लिए क्वांटिटीज़ को देयर आर मल्टीपल मैथड सच एज, पहला होता है रेशियो प्रपोर्शन, फिर होता है इक्विवेलेंट, फिर होता है परसेंटेज, फिर होता है प्रॉफिट लॉस, फिर होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो किसी भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, एक एक मेथड करके हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट करते हैं रेशियो मेथड। रेशियो क्या होता है बेटा, अगर किसी भी दो क्वांटिटीज को आपको बताना है कि ये क्वांटिटीज कितनी है और ये क्वांटिटीज कितनी है, तो आप उसे रेशियो के वे में कैसे कंपेयर करोगे। फॉर एग्जाम्पल ए की हाइट है 50 सेंटीमीटर और बी की हाइट है 40 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा जाए दोनों का रेशियो क्या होगा, तो रेशियो कैसे निकालोगे, ए की हाइट को लिख लेंगे और बी की हाइट को लिख लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ए और बी की हाइट का रेशियो कितना आ गया, 5:4 का रेशियो आ गया। तो ये हो गया दोनों का कंपैरिजन करना इजी। कंपेयर टू, अगर आप ऐसे कहोगे कि ए की हाइट 50 है, बी की हाइट 40 है ना, ये इस तरह कहने से अच्छा है कि आप कह दो ए और बी की हाइट का जो रेशियो है ये 5:4 है, तो ये हो गया ना कंपैरिजन। तो इसी तरह से कंपैरिजन करने के लिए क्या होते हैं, हमारे पास बहुत सारे मेथड अवेलेबल होते हैं, जिसमें से एक होता है रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड समझ में आया, फिर से समझिए क्या होता है, रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट इज द फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ द अदर। एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के साथ फ्रैक्शन होता है, जैसे कि हम लिखते हैं रेशियो को A/B, तो ये फ्रैक्शन ही तो है एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ। द रेशियो ऑफ A/B एज इज द फ्रैक्शन A/B एंड इज रिटन एज A/B, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रेशियो। अगर A/B कोई रेशियो है तो A²/B² उसका डुप्लीकेट रेशियो होता है, अंडर रूट में A√√में भी उसका सब डुप्लीकेट रेशियो होता है, और A³ B³ उसका ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई रेशियो दिया है, फॉर एग्जाम्पल 5:3, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, 5² / 3²। इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 5√√3। इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, तो इस वाले का ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 5³ / 3³। तो रेशियो से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर हो गई बेटा। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं, हम लोग क्विक सा रिविजन कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी आपको बताते हुए हम चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन क्या होता है, जब दो रेशियो को हम इक्वल करके लिखते हैं तो उसी को हम कहते हैं प्रपोर्शन। डेफिनेशन से समझिए, इफ द टू रेशियो आर इक्वल देन द फोर क्वांटिटीज आर कॉल्ड प्रपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, ए अपॉन में बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन में डी, देन वी से दैट ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन। क्या कहेंगे? ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन। ए इज टू बी इज इक्वल्स टू या फिर इज इक्वल्स टू जगह आप लगा दोगे ये प्रपोर्शन का साइन, सी इज टू डी, ठीक है। सॉरी, तो ये क्या हो गया? ए इज टू बी प्रपोर्शन का साइन लगा करके सी इज टू डी हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं कि एक रेशियो दूसरे रेशियो के साथ इक्वल होता है तो उसे हम क्या देते हैं कि ए बी सी डी प्रपोर्शंस में होंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे समझो, जो बाहर के जो टर्म्स होते हैं एक्सट्रीम पे, ठीक है, जो टर्म्स होते हैं बाहर साइड लाइक ए लाइक डी, इसे हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम। जो बाहर साइड होते हैं उसे हम लोग कहेंगे एक्सट्रीम, और जो मिड में होंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? मीन्स कहते हैं। तो बी और सी को कहते हैं मीन्स, ए और डी को कहते हैं एक्सट्रीम्स। ओके, तो डी को हमने क्या कह दिया? डी को हमने बोला फोर्थ प्रपोर्शन। इसकी काउंटिंग क्या हो जाएगी? अगर आपने ए बी सी डी लिखा है तो आप ऐसे ही काउंट करोगे, पहला रेशियो, दूसरा रेशियो, तीसरा रेशियो और फोर्थ रेशियो। तो इसीलिए डी की नेमिंग पड़ गई है फोर्थ प्रपोर्शन। सी की नेमिंग क्या पड़ गई है बेटा? थर्ड प्रपोर्शन। बी की नेमिंग क्या पड़ गई है? तो बी को हम लोग बोलते हैं क्या? मीन प्रपोर्शन, है ना। मीन प्रपोर्शन बी को नहीं बोलते हैं एग्जैक्टली। अगर ए और सी है तो ए और सी के बीच में हम लोग मीन प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं। तो जैसे ए है, फिर उसके बीच में कोई नंबर है बी, और फिर उसके बाद है सी, तो इसका जो मीन प्रपोर्शन होगा ये हो जाएगा बी, ठीक है। मीन प्रपोर्शन मीन्स बीच का नंबर, तो ये हो गया मीन प्रपोर्शन। अगर चार रेशियो में है तो लास्ट वाले को फोर्थ प्रपोर्शन, फिर उसके पहले वाले को थर्ड प्रपोर्शन, जैसा कि अभी आपने ए बी सी डी में देखा था, सी को थर्ड प्रपोर्शन, डी को फोर्थ प्रपोर्शन, और बी वाले को हमने क्या कह दिया? मीन प्रपोर्शन। तो किसी भी चीज का अगर आपको मीन प्रपोर्शन निकालना होगा तो क्या करेंगे? अंडर रूट में ए बी कर देंगे तो वो हो जाएगा उसका मीन प्रपोर्शन। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। चलो, तो प्रपोर्शन भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं किस पे? नेक्स्ट आते हैं यूनिटरी मेथड। व्हाट इज अ यूनिटरी मेथड? तो यूनिटरी मेथड ये कहता है कि अगर आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ वन यूनिट, यूनिटरी मेथड क्या कहता है पहले एग्जांपल समझ लो फिर बताते हैं। जैसे कि आपको दिया है कॉस्ट ऑफ 8 स्ट्रॉबेरीज इज ₹64, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 25 स्ट्रॉबेरीज। 25 स्ट्रॉबेरीज का कॉस्ट क्या होगा अगर 8 स्ट्रॉबेरीज का कॉस्ट पता है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यूनिटरी मेथड अप्लाई। क्या होता है यूनिटरी मेथड? कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करनी होती है वैल्यू ऑफ वन यूनिट। जैसे कि आपको यहाँ पे 8 स्ट्रॉबेरीज का दिया हुआ है 64, तो आप फाइंड करोगे वन यूनिट की वैल्यू, जो कि हो जाएगा 64/8 विच इज इक्वल टू द ₹8, है ना। तो 1 स्ट्रॉबेरीज की प्राइस कितनी हो गई? ₹8 हो गई। अब आपको फाइंड आउट जितने का करना होगा उससे मल्टीप्लाई कर लो 1 में, आ जाएगा आंसर। तो आपको फाइंड आउट करना था 25 स्ट्रॉबेरीज का, तो क्या हो जाएगा 25 × 8 विच इज इक्वल टू द ₹200। आ गया आंसर आपका। तो यूनिटरी मेथड यही कहता है कि जितनी भी बड़ी वैल्यू दी हो पहले आप 1 की निकाल लो, 1 का निकालने के बाद फिर आपसे जितना पूछा हो उसका निकाल लो, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताते रहो कि समझ में आ गया, और कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको भी आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कमेंट में ही कर रही हूँ। चलो, तो अब आते हैं हम लोग कंपैरिजन का दूसरा मेथड, जो कि होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है बेटा? प्रॉफिट जो होता है वो इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अब आप कहोगे मैम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस तो बता दिया, ये सेलिंग प्राइस क्या होता है और कॉस्ट प्राइस क्या होता है? तो जिस प्राइस पे हम किसी चीज को खरीदते हैं वो प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस, और जिस प्राइस पे हम किसी चीज को बेचते हैं, सेल करते हैं, वो होता है उसका सेलिंग प्राइस। तो जिस प्राइस पे हमने परचेज किया, बाय किया, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जिस प्राइस पे हमने सेल किया उसे बोलेंगे सेलिंग प्राइस। तो सेल से सेलिंग याद रखो, बाकी दूसरा वाला बाय हो जाएगा, परचेज हो जाएगा, है ना। चलो, तो अगर हमारी जो सेलिंग प्राइस है, आप ही खुद से सोचो, आपने कोई पेंसिल जो है ये ₹5 में ली, ₹5 में आपने परचेज किया, बाय किया, और आपने अपने किसी फ्रेंड को इसको बता दिया कि ये ₹10 की है, तो वो आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? आपने किसी फ्रेंड को आपने उस पेंसिल को 10 रुपीज़ की दे दी जिसको आपने 5 रुपीज़ का लिया था, तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो आपको हुआ प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट हुआ? क्योंकि आपने 10 रुपीज़ का जो था ना ये इसको सेल कर दिया और ख़रीदा कितने का था, 5 रुपीज़ का ही ख़रीदा था। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट निकल आया 5 रुपीज़ का। तो आपने 5 रुपीज़ का क्या कर लिया, प्रॉफिट कर लिया, है ना। तो प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे और ये निकल जाता है प्रॉफिट। क्या करना होता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना होता है और निकल जाता है प्रॉफिट। लॉस कैसे निकालेंगे बेटा, तो लॉस जब आप निकालोगे कब आपको लॉस होगा, आपको लॉस तभी होगा जब आपने ज़्यादा में ख़रीद लिया हो और आपको कम में बेचना पड़ गया हो, कम में सेल करना पड़ गया हो, किसी वजह से वो चीज़ें ख़राब हो रही हो रखे रखे और आपको उसको सेल करना पड़ गया जल्दी से और आपने कर दिया कम में सेल, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हाई हो जाएगा। तो जो ज़्यादा होता है उसमें से हम छोटे वाले को माइनस करते हैं। तो जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो आपको हो जाएगा लॉस, है ना। तो लॉस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, ये आपका निकल जाएगा लॉस। क्लियर हो गया। इफ़ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस देन इट इज़ प्रॉफिट, इफ़ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस देन नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, एंड इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस देन इट इज़ अ लॉस। ओके, तो ये हो गया प्रॉफिट और लॉस निकालने का मेथड। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे और लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं, डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट को रख दीजिए ऊपर। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट को रख देंगे ऊपर और डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाइड बाय 100। आपको लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस को रख लेंगे ऊपर, डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा, लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। क्लियर हो गया सभी कुछ, अच्छे से कहो कि क्लियर हो गया, थम्स अप करो, कमेंट करो कि बताओ क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा तो प्रॉफिट को ऊपर रखो, लॉस परसेंटेज निकालना होगा तो लॉस को ऊपर रखो और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, हमेशा डिनोमिनेटर में हमेशा रहेगा कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, इंटरेस्ट देखना है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट चार्ज ऑन अ बोरोड मनी वेयर द प्रिंसिपल अमाउंट विल बी फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे कि आपने किसी चीज़ को लिया किसी से और उसको आप कुछ समय के बाद वापस करोगे, तो कोई भी लोग, कोई भी इंसान आपको अपना पैसा क्यों देगा किसी टाइम के लिए जब उसे कोई प्रॉफिट नहीं हो। या तो वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड होगा तो वो आपको दे देगा, अगर वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड नहीं है तो उसे क्या चाहिए होगा, प्रॉफिट चाहिए होगा। तो जो पैसे आप उसे प्रॉफिट के रूप में दोगे, जो पैसे आप उसे एक्स्ट्रा दोगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। जो एक्स्ट्रा दिया जाता है, जितना आपने लिया है वो तो आप वापस करोगे ही करोगे, साथ ही साथ जो रुपीज़ हम लोग एक्स्ट्रा पे करते हैं उसी को बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने लिया, इंटरेस्ट रेट इंटू आर, इंटू कितने टाइम के लिए लिया। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल इंटू आर रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। ओके, समझ में आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो पी होता है प्रिंसिपल, आर होता है इंटरेस्ट रेट, एन होता है नंबर ऑफ ईयर, जितने टाइम के लिए लिया गया। और अमाउंट कैसे निकालते हैं बेटा, तो अमाउंट निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, अमाउंट निकालने के लिए क्या करोगे, जितना प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे। क्या करोगे, अमाउंट निकालने के लिए जो प्रिंसिपल है उसमें आप इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे, तो वो हो जाएगा टोटल अमाउंट जो आपने दिया। अमाउंट तो वही होगा ना जो आप दोगे, तो प्रिंसिपल जो आपने लिया था, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो आपने दिया, एक्स्ट्रा रुपीस, तो उसमें प्रिंसिपल में जोड़ दो और वही हो जाएगा अमाउंट। तो अमाउंट क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इट इज़ कॉल्ड अमाउंट। ओके बेटा, समझ में आ गया। तो ये वाला चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट चैप्टर जो कि होगा चैप्टर नंबर 9 रेशनल नंबर। इसके बाद फिर आपका चैप्टर 6 to 9 क्विक रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लग रहा है वीडियो, रिवीजन अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए सभी लोग, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर और हमारा आज का सेशन यहीं पे एंड हो जाएगा। सो व्हाट इज अ रेशनल नंबर, बताओ बताओ बताओ। हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था, पूरा समझा करके, चार्ट बना करके। तो क्या होता है रेशनल नंबर, उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कैसे चार्ट था। तो सबसे पहले आता है बेटा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, अ नंबर विच इज यूज्ड फॉर काउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। किसी भी चीज की जब आप काउंटिंग करोगे तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से। 0 से कभी काउंटिंग नहीं स्टार्ट करते हैं, 1 से करते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा, अ नेचुरल नंबर इज अ नंबर विच इज यूज्ड फॉर काउंटिंग। कोई भी नंबर जिसे हम काउंटिंग करने के लिए यूज करते हैं उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। वो स्टार्ट होता है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जहां तक आप जा सकते हो वहां तक वो जाता है। इसका कोई भी एंड नहीं होता, जितना आप सोच सकते हो नंबर उतना वो हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर होता है। अब नेचुरल के बाद क्या आता है, तो नेचुरल के बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं होल नंबर। 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड सो ऑन। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। जो 0 से स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन जाता है उसे हम लोग कह देंगे होल नंबर। अब होल नंबर के बाद क्या आएगा, देखो तो होल नंबर के बाद आ जाएगा बेटा इंटीजर्स। क्या आ जाएगा होल नंबर के बाद, होल नंबर के बाद आ जाएगा इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी होते हैं, 0 भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। तो इंटीजर में क्या क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं, 0 होते हैं और पॉजिटिव नंबर होते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब इसके बाद इंटीजर के भी बाद क्या आता है, तो इंटीजर के बाद आता है आपका रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में बेटा क्या क्या हो गए, देखो रेशनल नंबर में आपको नेचुरल नंबर मिल गए, होल नंबर मिल गए, इंटीजर्स मिल गए और क्या मिल गए, इंटीजर में जो नहीं होता वो भी रेशनल में होगा। क्या नहीं होता इंटीजर में, फ्रैक्शन और डेसिमल। तो फ्रैक्शन और डेसिमल इंटीजर में नहीं होते हैं, वो आपको रेशनल में भी मिल जाएंगे। तो रेशनल में क्या क्या आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, ठीक है, समझो अच्छे से। रेशनल नंबर में क्या क्या आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, इंटीजर्स आ गए, फ्रैक्शनल भी आ गए और डेसिमल भी आ गए। तो इन सभी से मिलके बन गया रेशनल नंबर। अब इसकी समझ लो डिफिनेशन, द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द को प्राइम एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है बेटा, जिसको हम लोग पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। पी और क्यू क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि क्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जो होगा ये कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, यही होता है रेशनल नंबर की फर्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी कि कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या क्या होते हैं, सभी इंटीजर्स आते हैं, सभी फ्रैक्शंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/2 रेशनल नंबर, -3/4 रेशनल नंबर, 0 रेशनल नंबर, -1 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर। कैसे कहोगे ये रेशनल नंबर है, तो आप 2 को क्या लिख सकते हो, 2 को लिख सकते हो 2/1। तो हो गया ये p/q के फॉर्म में रेशनल नंबर हो गया। -1 को क्या लिख सकते हो, -1/1। तो ये भी हो गया रेशनल नंबर, किसके फॉर्म में हो गया ये, p/q के फॉर्म में हो गया। 0 भी रेशनल नंबर है, क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको भी हम लिख सकते हैं 0/1 के फॉर्म में, जो कि हो जाएगा p/q के फॉर्म में, है ना। तो ये सारे नंबर्स हो गए रेशनल नंबर। बस वही नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा जिसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ, कौन सा नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा, जिसके डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। बाकी इसके अलावा जितने नंबर आप सोच सकते हो रेशनल नंबर हो जाएंगे। इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, सारे इंटीजर्स, फ्रैक्शनल, डेसिमल, सारे क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। बस वही नहीं होगा जिसके डिनोमिनेटर में 0 लग जाएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है। तो अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर इज पॉजिटिव। अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर इज पॉजिटिव। गॉट इट। तो क्या हो गया रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर जब उसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही पॉजिटिव हो जाएं, या फिर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही नेगेटिव हो जाएं, तो नेगेटिव साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये नंबर कैसा हो जाएगा, तो ये नंबर हो जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। समझ में आया, ये नंबर कैसा हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। उसके बाद देखो, अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव। क्या हो जाएगा, अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ वन ऑफ द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। अगर या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव हो जाएगा तो वो रेशनल नंबर क्या कहलाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर, है ना। जैसे कि p अपॉन में q के फॉर्म में है, p और q में से कोई भी एक नेगेटिव हो गया तो उस रेशनल नंबर को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर। उस रेशनल नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर। समझ में आया। और एक चीज अच्छे समझो, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर नीड नॉट बी एन द इंटीजर। जितने भी इंटीजर होते हैं वो सभी रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सभी रेशनल नंबर होते हैं, बट एवरी रेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इंटीजर। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो क्या हो गया, जितने भी इंटीजर लाइक नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो, ये सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। बट सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि रेशनल नंबर में बेटा फ्रैक्शंस भी आएंगे, डेसिमल भी आएंगे, जबकि इंटीजर में फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं आते हैं। इसलिए एवरी इंटीजर इज अ रेशनल बट एवरी रेशनल नीड नॉट बी एन इंटीजर। तो जिस रेशनल नंबर में फ्रैक्शन और डेसिमल आ जाएंगे वो इंटीजर नहीं होगा, जिस रेशनल नंबर में फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं आएंगे वो इंटीजर हो जाएगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देख लेते हैं। तो जैसे कोई नंबर है 3/4, इसको आप डेसिमल के फॉर्म में चेंज करके देखो तो ये आएगा 0 पॉइंट समथिंग। क्या आएगा, ये 0.7 समथिंग आ जाएगा। तो यानी कि हम इसको नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करेंगे, 0 और 1 के बीच में ड्रॉ करेंगे। इसको हम कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो 0 और 1 के बीच में ड्रॉ करेंगे। और 3/4 है तो हमें कितनी लाइन नीचे खींचनी पड़ेगी, तो हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी 4 लाइन। कितनी लाइन, 4 लाइन। जैसे कि ये है 0 और ये है 1, तो हमें कितनी लाइन बनानी होगी 0 और 1 के बीच में, 1 2 3। और ये 1 जो है ये तो खुद ही 4 वाला हो गया ना, 1 खुद ही 4 वाला हो गया। तो आपको रिप्रेजेंट करना है 3/4, तो काउंट कर लो 1 2 और 3। तो ये वाला जो होगा ना ये हो जाएगा 3/4। तो होप सो आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा और रेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी अभी तक। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, चैप्टर 6 से स्टार्ट किया, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल, फिर उसके बाद अभी क्या पढ़ा, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, फिर अभी पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का कंपेरिजन कैसे करते हैं बेटा, ए अपॉन में बी कोई रेशनल नंबर है, सी अपॉन में डी कोई रेशनल नंबर है। तो जैसे हम लोग फ्रैक्शन का कंपैरिजन करते हैं, ठीक उसी तरह से रेशनल नंबर का भी कंपैरिजन करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे हम लोग फ्रैक्शन का कंपैरिजन करते हैं ठीक उसी तरह से हम लोग कंपैरिजन करेंगे रेशनल नंबर्स का। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को बना लेंगे सेम। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को बना लेंगे सेम। अगर हमने बना लिया डिनोमिनेटर को सेम तो न्यूमरेटर भी तो सेम हो जाएगा। बताओ, अगर हमने डिनोमिनेटर को सेम बना लिया तो न्यूमरेटर में भी तो उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर को चेक कर लो, अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है तो वो चीज़ ग्रेटर हो जाएगा, पूरा पूरा रेशनल नंबर। अगर न्यूमरेटर लेसर है तो पूरा पूरा वाला रेशनल नंबर लेसर हो जाएगा, अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाते हैं, जो नीचे नीचे डिनोमिनेटर में नंबर है उनका ले लेते हैं एलसीएम, और जो भी एलसीएम होता है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना है और न्यूमरेटर का कर लेना है कंपैरिजन, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, तो नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर क्या होती है एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि किसी भी दो रेशनल नंबर को ऐड करो, सबट्रैक्ट करो या फिर मल्टीप्लाई करो तो वो भी क्या मिलना चाहिए, रेशनल नंबर मिलना चाहिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है रेशनल नंबर की, ये मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सबट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है, डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अगर हमने किसी रेशनल नंबर को डिवाइड कर दिया जीरो से, जो कि खुद एक रेशनल नंबर है, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया, जीरो। तो जब भी डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा तो ये नंबर डिफाइन ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है रेशनल नंबर की किसके किसके लिए एप्लीकेबल है, एडिशन के लिए, सबट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। इतना समझ में आ गया। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी दो रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो उसको हम इस तरह से ऐड करें या फिर इस तरह से ऐड करेंगे, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। सेम एज इट इज मल्टीप्लिकेशन में भी यही चीज अप्लाई हो जाएगा कि इसे हम इस तरह से मल्टीप्लाई करें या फिर c अपॉन में d इंटू ए अपॉन में b कर लें, दोनों का रिजल्ट क्या आना है, दोनों का रिजल्ट आ जाएगा सेम। ठीक है, तो जिस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो के लिए अप्लाई होती है, ठीक उसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तीन के लिए अप्लाई होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव देख लेते हैं। तो a इंटू बी क्रॉस c ये है और यहाँ हमने क्या कर दिया, a इंटू बी प्लस सी ले लेते हैं, a इंटू बी प्लस सी। तो मल्टीप्लीकेशन को हमने कर दिया b पे डिस्ट्रीब्यूट और c पे डिस्ट्रीब्यूट, तो मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर एडिशन, यही हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। तो यहाँ पे मतलब ये है कि पहले आप b और c को ऐड करके फिर ऐसे मल्टीप्लाई करो तो भी वही आएगा जो a और b और a और c का मल्टीप्लाई करके ऐड करने पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई एक ऐसा नंबर जिसे हम ऐड करने से उस नंबर में कोई चेंजेस नहीं आए तो उसे हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाती है, जीरो। जीरो को अगर हम किसी नंबर में ऐड करते हैं तो उस नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आता है ना। जैसे कि हम जीरो को ऐड करेंगे वन, जीरो में ऐड किए वन को या फिर वन में ऐड किए जीरो को तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो जीरो को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एक ऐसा नंबर जिससे किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पे उस नंबर में कोई चेंजेस नहीं आए, तो वन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जिस तरह से जीरो हो गई एडिटिव आइडेंटिटी उसी तरह से वन हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आज का लास्ट टॉपिक आइडेंटिटी इनवर्स। व्हाट इज द इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, इनवर्स प्रॉपर्टी होती है कि जैसे a में हम ऐसे किस नंबर को ऐड कर दें या फिर सब्ट्रैक्ट कर दें कि जीरो आ जाए। तो a में हम ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें या फिर ऐड करें कि जीरो आ जाए, तो आपको करना होगा माइनस a। तो माइनस a क्या हो गया, a का हो गया एडिटिव इनवर्स, तो इसको करने से जीरो आ गया, मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। तो माइनस a का हो गया एडिटिव इनवर्स। ठीक इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल a है तो a में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लाइक वन आ जाए, तो आपको करना पड़ेगा वन अपॉन में a से मल्टीप्लाई। तो a से a कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा वन। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका रेसिप्रोकल कर दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सेम उसी चीज को माइनस कर दो एडिटिव इनवर्स। तो होप सो आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपका क्विक रिविजन बहुत क्विकली हो गया होगा, है ना। तो हो गया ना क्विकली रिवीजन, कमेंट करके सभी लोग बताओ कि क्या क्विकली रिवीजन हो गया चैप्टर 6 से लेकर के चैप्टर 9 में। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्विक रिवीजन हम लोगों ने देख लिया, एक बार हमने देखा था चैप्टर 1 से चैप्टर 5, अभी हमने देख लिया चैप्टर 6 टू चैप्टर 9, फिर और आगे चैप्टर कर लेंगे तो चैप्टर 10 से लेकर के चैप्टर 15 तक का पूरा क्विक रिविजन कर लेंगे और आपके मैथमेटिक्स कंप्लीट। फिर उसके बाद हम लोग लिया करेंगे मेगा मेंटी, है ना। फिर ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लें, फिर हम लोग लिया करेंगे मेगा मेंटी, जिसमें कि बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ाई करेंगे, नए नए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आप लोगों के भी एक पेपर की तरह बना करके देंगे। जैसे कि सारे चैप्टर के क्वेश्चन मिक्स रहते हैं वैसे ही उस मेंटी में भी सभी के मिक्स रहेंगे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। ऐसे ही नई नई वीडियो आपको डेली देखने को मिलती रहेंगी, तो बेल आइकन को प्रेस करोगे तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया जाता है, आपका एक लाइक ही होता है जो हमें मोटिवेट करता है, तो वीडियो को लाइक कर देना और लेट्स क्रैक सीबीएसई 7 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिसको भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए, सारी वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए, सिर्फ इसी चैनल की नहीं, आपको अदर भी क्लास 7, क्लास 8, क्लास 6 की चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को क्या करो, ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक ज्वाइन कर लो और सारे वीडियो के लिंक आपको PDF सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलो फिर आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।